दिल्ली में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी चोरी पकड़ी ही जाएगी। चाहे हमारी पार्टी की दिल्ली इकाई को एक ऐसा दस्ता तैयार करना पड़े, हम उस पर सोच रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर आप वो सोचते हैं कि उच्च न्यायालय को एक तरफ रखते हुए, उच्च न्यायालय की अवमानना करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को वहां भेज देंगे केंद्र सरकार के लोग, जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके ऊपर हवाला रैकेट चलाने का आरोप है, जिसके ऊपर पर्दा सोफा स्कैम में वो आरोपी है, और उसको वो भ्रष्टाचार निरोधी दस्ते को ध्वस्त करने के लिए भेज देंगे, तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो जंतर मंतर से शुरू हुआ, रामलीला मैदान की तपस्या से गया, अरविंद केजरीवाल के 15 दिन की तपस्या से गया, उस आंदोलन की धार को हम कुंद होने नहीं देंगे। हम भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन को, एसीबी को कमजोर करने की केंद्र सरकार के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। हाल ही में एक और कंप्लेन आई, जवाहरलाल नाम के एक व्यक्ति ने एक पर्दा चोरी के स्कैम में इनका नाम घसीटा है, और इसमें तो बहुत मजबूत साक्ष्य उपलब्ध है, सीबीआई के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, और इस देश के दिल्ली की पुलिस के दो सबसे ईमानदार अफसरों ने, केस पॉल ने और डगवाल जी ने, मीना साहब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, रिकमेंडेशन किया है। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में लिप्त है, वो इस देश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधी शाखा का चीफ तो हो ही नहीं सकता। देश की जनता, दिल्ली की जनता सब कुछ मानने को तैयार है, लेकिन एक भ्रष्ट व्यक्ति को एंटी करप्शन ब्रांच के हेड के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत संजीदा है, सरकार भी संजीदा है, और सरकार अपने स्तर पे इस मामले को सुलझाने के सारे प्रयास कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह मसला सिर्फ एलजी साहब तक सीमित नहीं है, लेकिन पार्टी की ओर से मैं इतना कह सकता हूं, हमारी इतनी प्रतिबद्धता है, इतनी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, दिल्ली की जनता के प्रति, कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर हमें पार्टी के स्तर पर भ्रष्टाचार निरोधी टुकड़ियां भी बनानी पड़े, वार्ड लेवल पे टीमें बनानी पड़े जो भ्रष्टाचार के मामलों को एक्सपोज करेंगी, जनता के सामने लाएंगी, सरकार के सामने लेकर आएंगी, तो हम इसको करने से चूकेंगे नहीं। तो हम केवल ये चेतावनी दे रहे हैं, कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने अपना निर्णय एक तरह से दिया है, उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो जो है वो इस समय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन कोर्ट की अवमानना करते हुए भी अगर एक असंवैधानिक तरीके से एलजी साहब भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगे, तो हमारी पार्टी की दिल्ली यूनिट भ्रष्टाचार निरोधी टुकड़ियां तैयार करेगी, और उन्हें सार्वजनिक रूप से जनता के सामने लाकर बताएगी कि यह केंद्र की सरकार, जिसके खुद के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये हमारे दिल्ली स्टेट के भ्रष्टाचारियों को भी बचाने की कोशिश कर रही है।